वही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी आज नैनीताल जिले के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने हरेले कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और हरियाली के त्योहार की सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व हरियाली का त्योहार है, लिहाजा हम सबका कर्तव्य है कि पेड़ पौधों को बचाए रखें। उत्तराखंड के अंदर अधिक से अधिक पेड़ हम लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करने में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज मेरी जो दिन की शुरुआत हुई बड़ी सुंदर हुई। मैं शीतला देवी के जो मंदिर है वहाँ पहुंची, मंदिर में दर्शन किए, पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की, उसके बाद एक पेड़ भी वहाँ पे लगाया। तो कल से जो मेरी यात्रा देहरादून से शुरू हुई है, मुझे बहुत खुशी है। कभी स्कूल में, कभी मंदिर में, कभी पार्क में, हरेले का जो सोच है या हरेला जो हम बड़े उत्साह धूमधाम से मनाते हैं उसको आगे लेकर मैं चल रही हूँ। ये बहुत पुराना हमारा पर्व है, बहुत उत्साह से मनाया जाता है और ये एक संस्कार हमको बचपन से दिया गया है कि पेड़ों को बचाना है। 1974 में गौरा देवी उत्तराखंड में जो ऐसी महिला थी जिन्होंने पेड़ से चिपकी, जब कहा गया कि रेणी गांव के पेड़ कटेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं पेड़ नहीं काटने दूंगी, क्योंकि यही इन्हीं की वजह से पृथ्वी माँ है, जो धरती माँ है वो जीवित रहती है। तो हरेला भी ऐसा ही पर्व है, ऐसा ही एक त्योहार उत्तराखंड का है और मैं चाहूंगी कि धीरे धीरे हम पूरे देश को प्रेरित करें इस त्योहार से, देश ही नहीं पूरे विदेश में भी इस त्योहार की धूम मचे, क्योंकि आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं और सबसे सुलभ, सबसे अच्छा तरीका जो है वो पेड़ लगाने का है।